गुड मॉर्निंग एलके जी, आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हम करने वाले दो वर्ण वाले शब्द। तो देखिए हमारे यहाँ पे भी लिखा है, जैसे कि लेसन का नाम है दो वर्णों से मिलकर बने शब्द। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा उनके पास ये बुक होगी, उन्हें काम बुक में तो करना ही, साथ ही साथ कॉपी में करना है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम जैसे इसमें किया है ना उसी तरीके से आप इसमें करेंगे, नीट एंड क्लीन हिंदी की कॉपी में करेंगे, PDF बना के में सेंड करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगती है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़िए और लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बस की पिक्चर बनी है, तो यहाँ पे लिखा है बस बस। अब कितनी बार लिखा है उन्होंने, बस 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 लिखा है ना, बस इस तरीके से आप बस लिखते जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, पिक्चर देख के पढ़ पढ़, तो यहाँ पे पढ़ लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, कप कप, यहाँ पे कप लिखा है। देखिए इसी तरीके से आप हिंदी की कॉपी में काम करेंगे। यहाँ पे लिखा है घर घर। एक एक शब्द को आपने एक ही बारी नहीं लिखना बेटा, एक एक शब्द को आपने कई कई बारी लिखना और इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद अगली जो हमारी अगली पिक्चर है वो नल की पिक्चर है। देखिए न और ल मिला के नल बना ना, नल, देखिए लिखा ना यहाँ पे नल। उसके बाद अगली पिक्चर देखिए, यहाँ पे जग जग, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जग। यहाँ पे क्या लिखा है, ठग ठग, यहाँ पे लिखा है ठग। और यहाँ पे हल हल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रथ रथ, तो देखिए रथ की पिक्चर बनी है और यहाँ नीचे रथ लिखा है। आपने भी ऐसे काम करना है। धन धन, धन की पिक्चर बनी है ना यहाँ पे, और देखिए धन लिखा है नीचे। और ये क्या है, टब टब, यहाँ पे देखिए टब। और ये क्या लिखा है, दस दस दस। और यहाँ पे देखिए गज गज गज, किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कितनी बार। इसके बाद फल की पिक्चर बनी है, यहाँ पे फल लिखा है, फल फल, यहाँ पे देखिए। उसके बाद यज्ञ, ठीक है यज्ञ लिखा है यहाँ पे। और लास्ट में देखिए क्या लिखा है, वक, यहाँ पे लिखा है, वक की पिक्चर बनी है। तो बच्चों देखिए ये हमने क्या पढ़े हैं, ये हमने पढ़े दो अक्षर वाले शब्द। आप इनको क्या करेंगे, बोल बोल के कॉपी में लिखेंगे। और हो सक अगर आप कर सकते हैं एक छोटा सा काम, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको और देने वाली हूँ, दो अक्षर वाले शब्द जैसे आपने बुक में पढ़े हैं। जिनके पास राइटिंग बुक है उन्हें राइटिंग बुक में काम कर रहे हैं, जिनके पास कॉपी है कॉपी में काम करेंगे, जिनके पास राइटिंग बुक के बाद उन्हें कॉपी में भी काम कर रहे हैं। और बच्चे क्या करेंगे, जितने सारे शब्द मैंने बताए हैं इनको आप रीडिंग वीडियो बना के भेजेंगे। रीडिंग वीडियो बनाने से ये होगा कि मुझे पता चलेगा किस किस बच्चे को रीडिंग करना आया है, ठीक है। तो वो कंपलसरी वीडियो है, वो आपको बना के ही भेजनी है। और पेरेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा पढ़ता है लिखता है तो आप उसके साथ बैठिए और बच्चे को बोलिए कि जो भी वो लिख रहा है बोल बोल के लिखे। बोल के लिखने से एटलीस्ट उसे पता चलेगा कि वो क्या लिख रहा है। और सारा काम नीट एंड क्लीन कॉपी में करके भेजिए, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगेगी। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।